अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स. बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर थर्ड ऑफ जूलॉजी सेक्शन, दैट इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, सो ये चैप्टर थर्ड जो है हमारा जूलॉजी सेक्शन का, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर. सो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट वी हैव टू स्टडी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, एज द नेम इंडिकेट, आपको नाम सुन के ही लग रहा होगा दैट इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं ऐसे ह्यूमन हेल्थ के बारे में एंड डिजीजेस के बारे में. ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं जो ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, और ह्यूमन हेल्थ पे एक्चुअली में है क्या. अगर कोई डिजीज़ है या ह्यूमन हेल्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ और व्हाट डू यू मीन बाय डिजीज़. सो अगर हम हेल्थ के बारे में बात करें, सो एक हेल्दी पर्सन और एक डिजीज्ड पर्सन में बेसिकली क्या फ़र्क रह सकता है. हेल्थ इज़ नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़. हेल्थ को हम ऐसे भी कंसिडर नहीं कर सकते कि डिजीज़ की एब्सेंस. ठीक है, नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन किया जाए दैट व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ, तो हर एक यही कहेगा कि जिसे कोई बीमारी नहीं है वो पर्सन हेल्दी है. बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता कि एब्सेंस ऑफ डिजीज़ इज़ नाउन एज हेल्थ, कि जिसे कोई बीमारी नहीं है तो वो इंसान हेल्दी है. ये एक ऐसी स्टेट है, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ अ पर्सन. ठीक है, जिसमें बॉडी एंड माइंड दोनों की ही कॉन्शियसनेस चाहिए होती है, एंड विच अलाउज अ पर्सन टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली. सो एक ऐसी स्टेट है बॉडी की जिसमें बॉडी और माइंड दोनों ही अलो करते हैं एक पर्सन को हेल्दी कहलाने के लिए, फिजिकली भी, दैट ही इज़ फिजिकली ओके है, कोई बीमारी नहीं है, मेंटली भी वो ओके है. ठीक है, हिज मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, उसके जो मेंटेलिटी है वो भी ओके है, एंड सोशलिटी भी, वो सोशल भी है. सो फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल, ये तीनों पर्सपेक्टिव्स जो हैं ये हेल्थ के लिए बहुत मैटर करते हैं. ठीक है, तभी इंसान हेल्दी कहलाता है. तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को इफ़ेक्ट करेंगे. अगर हम सबसे पहले बात करें नॉर्मली, तो सबसे पहले यही आता है कि अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हमारी मतलब बॉडी हेल्दी रहेगी. ठीक है, हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है कि खून की कमी होती है. आजकल जो सबसे बड़ा प्रोस्पेक्टिव चल रहा है, इवन यंग यूथ में भी, खून की कमी. ठीक है, मीन दे आर एनीमिक, ब्लड बहुत कम है. डॉक्टर कहते हैं सेब खाइए, अनार खाइए, आपकी ब्लड की मतलब ब्लड का काउंट, आरबीसी का काउंट बढ़ेगा. ब्लड अगर ब्लड होगा तो वही ब्लड अच्छे से सर्कुलेट करेगा. सो डाइटरी हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं. एक वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, तभी कहा जाता है कि एक वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, और एडिक्वेट मैनर में आप उसको कंज्यूम करें, ताकि आपको सारे ज़रूरी तत्व जो आपकी बॉडी में चाहिए होते हैं, ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट योर बॉडी नीड, वो मिल सकें. देन लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है. अब हम एग्ज़ाम्पल अगर लेकर चलें, जितने भी एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत वेरी करता है. जैसे कि मोस्ट ऑफ द एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको पता भी होगा, दे आर फिटनेस फ्रीक. ठीक है, मतलब फिटनेस फ्रीक हैं. कुछ योगा में बहुत ध्यान देते हैं, कुछ कार्डियो बहुत करते हैं, कुछ जिम जाते हैं. सो लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है कि पर्सन हेल्दी है. कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी लाइफ में होनी चाहिए. जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है बाबा रामदेव, जो कि योगा, यू नो, योगा गुरु कहा जाता है उनको. सो लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है. सोशल एनवायरनमेंट काफ़ी मैटर करेगा. हाउ स्ट्रेसफुल अवर लाइफ इज़. अगर कोई इंसान है जिसकी लाइफ में बहुत दुख तकलीफ है, स्ट्रेस्ड लाइफ है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी, तभी कहा जाता है ना कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ वेल फंक्शन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली भी. खाली हेल्दी पर्सन डिजीज़ फ्री ही नहीं कहलाता. सोशली किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेसफुल मेंटल कंडीशंस हैं. जैसे कोई इंसान डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है, इसके सबसे बड़े एग्जांपल आपकी ये आ सकती है. नॉट बीइंग कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, वो उसका फिजिक बहुत अच्छा है, उसके पास वो दिखने में भी अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी भी है, उसे कोई बीमारी नहीं है, ही इज़ ओके एंड घर बार से भी ठीक है, बट उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो सोचता बहुत है, या उसको कुछ लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रेस हैं, लाइक डिप्रेशन में है, जिन्हें सोच सोच, डिप्रेशन क्या है एक्चुअली, डिप्रेशन अवसाद की क्या बीमारी होती है, कि इंसान सोच सोच में कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, या कुछ ऐसी
यू नो टेंशन्स होती हैं जिनके कारण इंसान सोच सोच कर ना डिप्रेशन में चल जाता है, और डिप्रेशन आजकल का सबसे बड़ा इशू चल रहा है। मोस्ट ऑफ द लोग इससे ग्रस्त हैं, इस बीमारी से, डिप्रेशन से, और कुछ ना इससे फाइट करके आगे भी बढ़े हैं। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है। इवन कि ये कहना भी बिल्कुल सही होगा कि इतना आपको शायद कोई बीमारी अगर आपको है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी जितना आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इफ़ेक्ट करेंगे। जो इंसान मेंटली स्ट्रांग नहीं होता, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जिसके अंदर ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा बीमार रहता है एज़ कम्पेयर टू जिसे फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इनसे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। स्टेट ऑफ माइंड अगेन, कि आपका जो कुछ ऐसे डिजीज़ जो आपकी न्यूरल सिस्टम में, यू नो न्यूरल सिस्टम ब्रेन वाला पार्ट होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जहाँ से हॉर्मोन्स यू नो निकलती हैं, और इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का जो रोल है ये आपको पता ही है, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है यू नो बीमारियों से, रोग प्रतिरोधक क्षमता की, बीमारियों से आप कितना लड़ सकते हैं। जैसे अभी कोविड का टाइम है, सो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उन्होंने इस बीमारी से फाइट भी किया है, हालांकि वो कोरोना भी उन्हें हो गया था बट फिर भी वो उससे बाहर निकले हैं। देन द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू टू अर्न अवर लिविंग, किस टाइप का काम हम कर रहे हैं वो चीज़ भी इफेक्ट करेगी हमें। कुछ लोग जैसे कि जो जिनको ऑफिस का काम रहता है, जैसे कि जस्ट सपोज़ काफ़ी हाई पोस्ट में हैं, पढ़ लिख कर आप काफ़ी हाई पोस्ट में चले गए हैं, आप IAS हैं, KS हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपका काम जितना है, आपका दिमाग यूज़ हो रहा है उस काम में, जितना आपका काम है आप चले जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। अब एक फैक्ट्री में काम कर रहा इंसान, सपोज़ वो कोल की फैक्ट्री है, कोयले की खान की फैक्ट्री है, इट्स अ कोल फैक्ट्री, और उसमें एक बंदा काम कर रहा है और वो भी अर्न कर रहा है, और एक बंदा जो है वो ऑफिस में काम कर रहा है, ही इज़ एट अ हाई पोस्ट। सो आप सोच सकते हैं कि उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। फैक्ट्रीज़ में काम करने से कितना धुआं, पोल्यूशन और डर्ट जो हमारे लंग्स को स्पेशली इफ़ेक्ट करती है। सो इस तरह से ये है कि किस तरह का काम हम कर रहे हैं, कैसे कैसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, क्या वो इन्वायरमेंट एयर पोल्यूटेड है, क्या वो इन्वायरमेंट नॉइस पोल्यूटेड है, उससे क्या होगा कि हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वाटर पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, हम कोई ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर हमारा घर भी वहीं पर है, हमें काम भी वहीं पर करना पड़ रहा है, और वहीं की चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो हवा हो चाहे वो पानी हो, तो वाटर पोल्यूशन भी जो है इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, वेदर ही इज़ रिच और पुअर, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है, उस वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग है कि वो अपने आप को एक ज़रूरी जो डाइट, एक बैलेंस्ड डाइट होती है, जो कि खाना जो इंसान खा के जिंदा रहता है और हर काम करता है उसे एक अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर सके, या फिर उसकी बॉडी जो है वो माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त है, मीन्स कि उसके पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो जो रोज़गार का खाना होता है लाइक दाल सब्जी फुल्का उसको मतलब बाय कर सके, उसको अर्न कर सके, क्या उसमें इतनी कैपेसिटी है, या फिर कितना वो खर्च अपने ऊपर कर सकता है अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमारी हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए क्या उसके पास इतना रोज़गार है कि वो एक अच्छा खाना खा सके, अपने आप को बीमारियों से दूर रख सके। सो ये आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस आ जाएंगी। देन वी हैव डिजीज़। व्हाट इज़ बेसिकली डिजीज़? डिजीज़ मीन्स डिसईज़, यू नो जब आपको ईजीली फील नहीं हो रहा हो, एक बुखार भी अगर हल्का हो जाए तो हम बेड पर लेट जाते हैं लाइक वी फील कि जैसे सब कुछ रुक गया हो। ठीक है, वैसी बात यह है कि डिज़ीज़ क्या है, एक ऐसी स्टेट है, डिज़ीज़ एक ऐसी स्टेट है जिसमें क्या होता है कि बॉडी का कोई एक पार्ट, वो ऑर्गन हो सकता है, सेल हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, वो इफ़ेक्ट हो रहा है, एक से ज़्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं बॉडी के पार्ट्स, जिससे क्या हो रहा है कि हमारी फिजियोलॉजिकल स्टेट, जो हमारी रोज़ का जो हमारी बॉडी का फिजियोलॉजी है वो इफ़ेक्ट हो रही है। जैसे अब हम रोज़ ठीक होते हैं, किसी एक दिन हमें हल्का सा ज़ुकाम हो गया, हमें कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, नॉर्मल हमें ज़ुकाम हो गया जो कि वायरस की वजह से होता है,
किसी तरह फिजिकल कॉन्टैक्ट से वो वायरस हमारे शरीर के अंदर आ गया, उसने हमें कॉमन कोल्ड कर दिया, हमें ज़ुकाम हो गया, हमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग छींक आ रही है, उसके बाद हमें बुखार हो गया है हल्का सा, बलगम भी प्रोड्यूस हो रही है, हमें खांसी भी हो रही है, ये सब सिम्टम्स हैं उसके। और हमें एक्चुअल में क्या है कि हमें कॉमन कोल्ड हुआ है, हमारी बॉडी जो है उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक तरह से रुक रही हैं। हम इतने उस टाइम पे इतने कैपेबल नहीं होते है ना, हम कुछ काम कर सकें या हम उठ सकें, बुखार में वैसे भी इंसान काम नहीं कर सकता, हमें कंडीशन जो है हमें मतलब कि आराम नहीं मिल पा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी रेस्ट ही रेस्ट करे। एक नॉर्मल कोल्ड में भी कितना इंसान इफ़ेक्ट हो जाता है। सो दिस इज़ नाउन एज कि एक ऐसी फिजियोलॉजिकल स्टेट जो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है ना, कोई एक बॉडी का पार्ट। अब उसमें क्या है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, नोज़ में, ठीक है, नोज़ में है, फिर विंड पाइप में मतलब होगा, लंग्स में इफ़ेक्ट होगा। अगर यही ज़ुकाम थोड़ा ज़्यादा बिगड़ जाए तो वो निमोनिया बन जाएगा, ठीक है, निमोनिया बन जाएगा तो इंसान आपको पता ही है। सो दिस इज़ ऑल वॉट द बॉडी बियर्स व्हेन अ स्टेट ऑफ लाइक डिजीज अकर्स। और वो ऐसे सिम्टम्स होंगे जो हमें बताते रहेंगे कि हमारी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है। सिम्टम जो होंगे वो आपका फीवर, कफ, स्नीजिंग, ठीक है, बलगम बनना, ये सब आपके क्या सिम्टम्स होंगे। कफ इज़ नॉट अ डिज़ीज़, इट इज़ अ सिम्टम। और डिज़ीज़ आपको क्या क्या, कोई ज़ुकाम हुआ है, यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। सो ये होती है। सो इसी कैटेगरी में क्या है कि डिजीज़ों को दो तरह से डिवाइड किया गया है, लाइक इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कि मैंने आपको अभी ही बताया, कॉमन कोल्ड वगैरह, ठीक है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं किसी भी फिजिकल कंटैक्ट के थ्रू। अगर फिजिकल आप किसी का जूठा खा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, सो वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रही है, जैसे कॉमन कोल्ड है, ठीक है, एड्स। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होगा, एक ऐसे डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट नहीं कर सकते, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या कंटैक्ट के थ्रू नहीं जा सकते, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर। अब जैसे कैंसर जैसा आजकल का बहुत लंग कैंसर बहुत कॉमन है, हर ऐसा देखा गया कि हर 17-18 बंदे में एक लंग कैंसर का पेशेंट देखा गया है। सो कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक सेल डिविजन्स, ठीक है, जिनका कंट्रोल जो है वो अपने ऊपर ख़त्म हो गया हो, ठीक है। और कैंसर जो होते हैं वो ऑन्कोजींस की वजह से होते हैं। ऑन्कोजींस क्या करते हैं, एक ऐसा जीन होता है, ठीक है, ऑन्कोजींस आर द जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर सेल्स। और वो ऑर्गेनिजम्स, अगर तो वो डिजीज़ किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, जैसे हम कॉमन कोल्ड में क्या है कि वायरस की वजह से हो रहा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लाइक वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया। नाउ अब इम्यूनिटी क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं वो क्या है। इम्यूनिटी इज़ नथिंग, इट्स जस्ट एबिलिटी ऑफ, ठीक है, होस्ट टू फाइट एंड प्रोटेक्ट द डिजीज़। एक ऐसी, जैसे अब मैं हूँ, मेरे अंदर इम्यूनिटी है, कितनी इम्यूनिटी है, मीन्स कि मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे सेल्स के अंदर इतनी क्षमता है, ठीक है, कि वो अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी आ रही है, तो उससे वो सेल्स लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। मेरी बॉडी की एबिलिटी को हम क्या कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे, कि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से वो लड़ सकें। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये कुछ नॉन स्पेसिफाइड टाइप की इम्यूनिटी होती है, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, जब बच्चा पैदा होता है ना, ये उसके उस टाइम पे ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, क्या करती है कि उस टाइम एक तरह से बैरियर की तरह काम करती है कि कोई बीमारी, कोई डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म उस टाइम बच्चे के अंदर ना आ सके, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बैरियर्स हैं जो उस टाइम पे क्या करते हैं कि बॉडी को प्रिवेंट करते हैं कि बॉडी में कोई भी टाइप का डिजीज़ अंदर ना आ सके, जैसे कि फिज़िकल बैरियर स्किन, ठीक है, म्यूकस, जो एपिथीलियम स्किन के एपिथीलियम लाइन में जो म्यूकस कोटिंग लाइन होती है, रेस्पिरेटरी वाली साइड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितनी भी लाइनिंग्स हैं, यूरिनोजेनिटल ट्रेट्स में जो लाइनिंग है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होंगे, जैसे कि हमारे स्टोमक में जो एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है, आपको पता है कि हमारे स्टोमक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एसिड होता है, जो हम खाना खाते हैं वो कैसे पचता है,
एक तरह से आग सी होती है ना निकलती, वो इसी एसिड की वजह से निकलती है। सलाइवा जो हमारे माउथ में होता है, सबसे बड़ी बात जो हमारी थूक होती है, सलाइवा जो होता है माउथ का, जीभ में या कहीं भी कट लग जाए तो वो अपने आप ही हील होता है, क्योंकि सलाइवा में भी ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अपने आप ही हीलिंग पावर रखते हैं। और आँखों से जब आंसू आते हैं, सेलुलर बैरियर्स जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे WBC सेल्स हैं। आपको पता है कि RBCs जो हैं वो खून बनाते हैं, और WBCs जो होते हैं वो सेल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के, लड़ते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट। सो वो जो हैं WBCs जो हैं हमारी बॉडी के, जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये लड़ते हैं और माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। देन साइटोकाइन बैरियर्स में क्या होता है कि सेल्स जो हैं जब किसी वायरस के अटैक से इन्फेक्टेड हैं तो वो क्या करते हैं कि एक प्रोटीन्स निकालते हैं, ठीक है, जैसे सीक्रेट प्रोटीन्स जिनसे हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं, जो बाकी जितने नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको बचा देंगे ताकि वायरल इन्फेक्शंस ना हो। देन वी हैव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, ये उस टाइप की इम्यूनिटी है, पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ठीक है। मतलब अगर ये वाला, अगर मुझे कोल्ड हो रहा है, कोल्ड के लिए वायरस रिस्पॉन्सिबल है, तो बॉडी के सेल्स अलर्ट हो जाएंगे कि हमें इनसे लड़ना है। ये मेमोरी से काम चलता है, ठीक है। लाइक जैसे अब आप ये सोचिए कि जब पैथोजन पहली बार में एंटर करता है बॉडी में डिजीज़ कॉज करने के लिए, ठीक है, एक तरह से लो इंटेंसिटी वाला रिस्पॉन्स जनरेट होता है। सपोज़ कोई नया पैथोजन, भी कोरोना वायरस न्यू आया था, सपोज़ वो एंटर हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उससे लड़के भी बाहर आए हैं, एंटर हुआ है, पर बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, ठीक है, पहली बार एक कोई भी टाइप का पैथोजन एंटर हुआ है तो एक प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब कभी नेक्स्ट अगेंस्ट वाला, वही वाला कोई ऑर्गेनिज्म फिर से हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, तो हमारी बॉडी उसको उससे ज़्यादा हाई रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। जब वो कभी पैथोजन फिर से हमारी बॉडी पे अटैक करेगा, हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करने की कोशिश करेगा, तो हमारी बॉडी जो है वो मेमोराइज़ करेगी कि फ़र्स्ट टाइम भी ये पैथोजन एंटर हुआ था, तो जो भी रिस्पॉन्स, जो लो इंटेंसिटी वाला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड हुआ था, क्योंकि बॉडी उस टाइम अनअवेयर थी कि इस टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आ सकता है, तो फर्स्ट टाइम आया था तो लो इंटेंसिटी वाला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड हुआ था, उसे हम कहते हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्स। जब सेकेंड टाइम फिर से वही कभी अटैक करेगा ऑर्गेनिज्म, देन बॉडी उस चीज़ को मेमोराइज करेगी, देन एक हाई इंटेंसिटी वाला रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, और उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। सो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होते हैं, ये दो टाइप के सेल्स इनको मेंटेन्ड करके रखते हैं, मीन्स कि दोनों टाइप के सेल्स इन्हें करेंगे। जैसे लिम्फोसाइट्स का नाम आपने सुना ही हुआ है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों ही रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं, इन दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस को कैरी करते हैं, इन्हें मेंटेन करते हैं। देन वी हैव सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये कैसी इम्यूनिटी है, सेल मेडिएटेड, नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, ठीक है, इट डजेंट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़। जैसे आपको पता है कि एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में क्या करती हैं कि लड़ती हैं, ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ेंगी, बीमारियों से बचाएंगी। इनमें क्या होता है कि जितने भी फैगोसाइट्स हैं, फैगोसाइट्स क्या होते हैं, जो ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन सेल्स को, कोई बॉडी में ऐसी जो चीज़ आ रही है जो नेसेसरी नहीं है, उसे खा जाते हैं, ये निगल जाते हैं, ठीक है, उसकी एक्टिवेशन से चलते हैं। ये एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिन रिलीज़ करेंगे, ठीक है, एंटीजन स्पेसिफिक साइटोक्सिन टी लिम्फोसाइट्स को सिक्रीट करेंगे जो एंटीजन्स को पहचान सकें। एंटीजन्स क्या होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स जो अटैक करते हैं उनको पहचान सकें, और बहुत सारे ऐसे साइटोकाइनिंस जो हैं वो रिलीज़ करेंगे ताकि वो एंटीजन्स, यानी कि जो एंटी मीन्स अगेंस्ट, जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो आ रहे हैं, या फॉरेन मटेरियल जो हमारी बॉडी में आ रहा है, उनके थ्रू वो लड़ते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी था कि सेलुलर मेडिएटेड में हमने पढ़ा था ना, सेलुलर में कि हमारे सेल्स फैगोसाइट्स डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को, लाइक मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर इन द ब्लड। जैसे नेचुरल ब्लड में भी एक नेचुरल किलर टाइप सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो डिस्ट्रॉय करेंगे, और साइटोकाइनिंस, और बहुत सारे साइटोकाइनिंस रिलीज़ करेंगे इस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, है कि बहुत सारे साइटोकाइनिंस जो रिलीज़ होंगे ताकि वो एंटीजन्स को हैं वो उनको एंटर ना होने दें बॉडी में। साइटोकाइनिंस लाइक
जैसे एक पर्टिकुलर सेल में, साइटोकाइनिन्स में क्या होगा कि एक पर्टिकुलर सेल जो वायरस के अटैक में है वो क्या करेगा, एक ऐसा फ्लूड सिक्रेट करेगा जिसे हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं, वो बाकी जितने भी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनमें वो यू नो सिक्रीट कर देगा और वो फ्लूड उनको प्रोटेक्ट करेगा ताकि ये वायरस उन तक ना पहुंच सके, ठीक है, बाकी सेल्स इन्फेक्ट ना हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, हेल्थ के बारे में पढ़ा और डिजीज़ के बारे में पढ़ा। इसके आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।